तो कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्रेमलॉग्स जो सर्कल्स पे ही बेस्ड हैं। लास्ट टाइम भी आपको जो क्रेमलॉग्स बताए थे वो भी सर्कल्स पे ही बेस्ड थे। ये जो क्रेमलॉग्स मैं बता रहा हूँ, ये जो अगला चैप्टर हमने किया था ना स्ट्रोक एस एंड जी, वहां पर आपको मिल जाएंगे क्रेमलॉग्स एक्सरसाइज 28 के नीचे। तो ये भी कॉन्टिन्यूड क्रेमलॉग्स हैं बेस्ड ऑन सर्कल्स। पहला आप देखिए यहाँ पे स्ट्रोक ऑफ एम अबव द लाइन डिनोट करता है मी को, ठीक। स्ट्रोक एम अबव द लाइन डिनोट्स मी। यही एम का स्ट्रोक आप ऑन द लाइन लिखें तो ये बन जाएगा हिम। अब देखें ये जो मी का ग्रेमलॉक है इसके फाइनल में अगर आप सर्कल अटैच कर दें तो ये बन जाएगा माई सेल्फ। इन अ सिमिलर मैनर हिम के ग्रेमलॉक के फाइनल में अगर आप सर्कल अटैच कर दें तो वो बना देगा हिम सेल्फ। तो अगेन काफी अंडरस्टैंडेबल है, रिलेटेड साउंड से ही ग्रेमलॉक्स डिराइव हो रहे हैं। इसके बाद है सर्कल विद द स्ट्रोक ऑफ पी रिटन ऑन द लाइन, तो ये डिनोट करता है स्पेशल और स्पेशली को। और अगर यही सर्कल विद द स्ट्रोक ऑफ पी थ्रू द लाइन बिलो द लाइन आप लेकर जाएं, ये डिनोट करता है स्पीक को। इसके बाद अगला हम ग्रामलॉग डिनोट कर रहे हैं सर्कल विद द स्ट्रोक ऑफ बी ऑन द लाइन डिनोट्स सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड। और सबसे लास्ट में सर्कल विद द स्ट्रोक ऑफ वी ऑन द लाइन डिनोट करता है सेवरल को। तो ये भी कॉन्टिन्यूड ग्रामलॉग्स हैं बेस्ड ऑन सर्कल्स। इन्हें भी आप नोट डाउन करें और अटेम्प्ट कर लो डिक्टेशंस एक्सरसाइज 29 एंड 30। ग्रुप में भेज देना सारे के सारे अपना अटेम्प्ट।